तो एक डर जो होता है ना कानून का, वो नहीं। पुलिस वाले कहते हैं मैडम माहौल खराब है, तो आप ध्यान रखिए। भाई हम ध्यान रखेंगे तो पुलिस स्टेशन क्यों है, फिर बंद कर दो सबको। तो ये रिस्पॉन्स फिर सारी एल जी पे आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एल जी साहब के हाथ में है, किसी और सरकार के हाथ में नहीं है। ये आम आदमी की तो पार्टी की पुलिस होती नहीं है, केंद्र में पुलिस आती है। बींग ए वुमन खून खौलता है, कई बार मन करता है कि अपनी बेटियों को हम घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते। लचर व्यवस्था ही कहूँगी मैं इसको। अगर लड़की का ऐसे हल करोगे आप देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। बीते एक सप्ताह में दो लड़कियों का दर्दनाक कत्ल हो जाता है। आखिर इस दर्दनाक कत्ल का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिस केंद्र सरकार पर है, जिन एलजी पर है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं? आखिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर क्या एलजी फेल हो गए हैं? इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता का क्या कहना है? दिल्ली की जनता अपनी पुलिस और अपनी कानून व्यवस्था को लेकर कितनी संतुष्ट है, आइए दिल्ली की जनता से ही जानते हैं। दिल्ली में बीते कुछ समय से महिलाओं को लेकर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, एलजी साहब जिम्मेदार है, या केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है? पुलिस को थोड़ा सा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि आप हर जगह कहते हो पीसीआर अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह पे दिखती ही नहीं है। तो एक डर जो होता है ना कानून का, वो नहीं है। आप कई बार देखते हो आपकी पॉकेट मारी जाती है। तो हमने ये भी सुना है कि पुलिस वाले कहते हैं मैडम माहौल ख़राब है, तो आप ध्यान रखिए। भाई हम ध्यान रखेंगे तो पुलिस स्टेशन क्यों हैं, फिर बंद कर दो सबको। तो हालत तो बहुत ख़राब है, मतलब जिस तरह की ब्रुटैलिटी हम देख रहे हैं ना आजकल, अनएक्सेप्टेबल है। बींग ए वुमन खून खौलता है, कई बार मन करता है कि अपनी बेटियों को हम घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, इतना बुरा हाल है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या एलजी अपने काम में फेल हो गए हैं? तो एग्जैक्टली यही है कि एलजी और दिल्ली पुलिस नाकाम है। जैसे केजरीवाल के हाथ में भी फ्रीडम नहीं है कि पुलिस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, क्योंकि मानो ना मानो तो दिल्ली पुलिस में सेंटर पूरा इन्फ्लुएंस करती है अपना। तो जब फ्री हैंड मिलेगा तभी कोई पार्टी पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगी। जैसे क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों को जैसे कम नॉलेज है, तो सारा दोष केजरीवाल या यहाँ की पार्टी को दे देते हैं, पर एलजी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही और दिल्ली पुलिस कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। केंद्र के हाथ में है और केंद्र को इस पर मतलब अपना आश्वासन देना चाहिए, केंद्र को समझाना चाहिए। तो पुलिस के हाथ में तो ये नहीं है, ये तो केंद्र जैसे कहता है वैसा ही होता है। आम आदमी की तो पार्टी की पुलिस होती नहीं है, केंद्र में पुलिस आती है। जो दिल्ली की पुलिस है वो एलजी के अंदर आती है, वो केजरीवाल सरकार के अंदर नहीं आती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके लिए वाकई में पुलिस का जो व्यवस्था है, पुलिस है वो कमज़ोर है, एलजी साहब फेल हो रहे हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में? हाँ, कहीं तो लैक कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सिटीज़ देखें, मुंबई, बैंगलोर, मैं भी वहाँ भी होके आई हूँ, तो वहाँ सेफ्टी का काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो आई थिंक उस पार्ट पे हम लैक कर रहे हैं कि अभी भी गर्ल्स के लिए प्रॉपर सेफ्टी नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था है उसके लिए आम नागरिक के अलावा कौन जिम्मेदार है? क्या एलजी जिम्मेदार है जिनके अंदर पुलिस आती है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का माहौल हो रहा है दिल्ली के अंदर, वो बहुत खतरनाक है। कोई बेचारी बच्ची या लड़की या औरत कोई सेफ नहीं है। उसके लिए अगर आप कहीं भी चले जाएं, थाने जाएं, या डीसी भी पास जाएं, या एलजी साहब के पास जाएं, पहली बात तो मिलते भी नहीं है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी एलजी पे आती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एलजी साहब के हाथ में है, किसी और सरकार के हाथ में नहीं है। एलजी साहब से तो लेटर देना तो बहुत दूर है, मिलना ही सवाल नहीं पैदा होता। अगर लड़की का ऐसे हल करोगे आप देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो इससे अच्छा मर जाना अच्छा है, लड़की पैदा भी ना हो इससे अच्छा। तो आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी बनती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब के हाथ में, केजरी साहब के हाथ में नहीं है ये, क्योंकि वो बेचारा बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से कानून पास करके आए थे, इन्होंने उस कानून की धज्जियाँ उड़ा दी, उसका नोटिफिकेशन निकाल के पावर फिर एलजी को दे दी, तो ये गलत हुआ है। दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए एलजी साहब जिम्मेदार हैं जिनके अंदर पुलिस आती है, या फिर दिल्ली की सरकार? मैं किसी भी सरकार को जिम्मेदार नहीं कहूंगी इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स की। जो कमी आती है ना, वो आती है हम पनिशमेंट इम्पोज नहीं करते हैं। अगर हम कुछ गलत देखते हैं, हम उसको देख कर निकल जाते हैं, और अगर हम किसी चीज़ को रिपोर्ट भी करते हैं तो उस पनिशमेंट को इम्पोज नहीं किया जाता है। एंड इट टेक टू लॉन्ग, लचर व्यवस्था ही कहूँगी मैं इसको, हमारी लचर व्यवस्था जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन कर देती है, जिसकी वजह से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। एक आम धारणा है
कि जो पुलिस है या फिर जो कानून व्यवस्था है वो सीधे तौर पर राज्य सरकार के अंदर आती है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि अगर कहीं की कानून व्यवस्था ख़राब होती है तो उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन दिल्ली के मामले में ये स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की पुलिस LG और केंद्र सरकार के अंदर आती है। इसलिए जब जब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं तो सीधे तौर पर केंद्र और LG साहब से सवाल पूछे जाते हैं। सुप्रिया सिंह, लाइव हिंदुस्तान।